हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम टॉम हॉलैंड का फेस, आइज, नोज, लिप्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसके आगे के स्टेप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने फ्रेंड इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल और इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आइज, नोज, लिप्स बताया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको किसी वीडियो पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो काफ़ी जल्दी बनाऊंगा। अभी देखेंगे कि हम इसमें फेस किस तरीके से शेड कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी वे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं HB पेंसिल यूज़ करके फेस का लेयर दूंगा, फर्स्ट लेयर। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बिल्कुल आराम से फर्स्ट लेयर देना है HB पेंसिल से। आप चाहे तो फ्रेंड्स 4B पेंसिल से भी फर्स्ट लेयर दे सकते हैं, लेकिन आपको फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि फोटोग्राफ में लाइटिंग पार्ट और डार्क पार्ट किस तरीके से है, उसके हिसाब से आपको 4B पेंसिल यूज़ करना है या HB पेंसिल यूज़ करना है, वो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। इसके लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट लेयर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे इस तरीके से शेडिंग नहीं हो पाती, प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो आप पेंसिल को दूर से इस तरीके से पकड़ के उसे इस तरीके से शेड कर सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इससे आप इजी वे में शेडिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्रेशर कंट्रोल में अगर प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है शेडिंग पर कि हम किस तरीके से शेडिंग में प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्लोली स्लोली शेड कर रहा हूँ। HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर लगाने के बाद मैं उसे ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको आराम से ब्लेंड करना है और अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ताकि सारा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो और उतना रियलिस्टिक लुक दे। और ब्लेंड करने के बाद फ्रेंड्स, मैं 4B पेंसिल यूज़ करके जहाँ जहाँ पे थोड़ा डार्क है नॉर्मल स्किन टोन से, वहाँ पर डार्क शेडिंग करूँगा। आपको भी फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे लाइट एरिया है, कहाँ पे डार्क एरिया है। डार्क एरिया है तो हम उसे कितना डार्क करेंगे, वो सब चीज़ आपको फोटोग्राफ से देख के अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट है। अब 4B पेंसिल यूज़ करने के बाद मैं ब्रश से उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि दोनों लेयर काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में फ़ोटो पे किस तरीके का डार्क एरिया है। मैं उसके लिए 8B पेंसिल यूज़ करूँगा स्ट्रेटलर का। बिल्कुल लाइट प्रेशर यूज़ करके मैं उसको यूज़ करूँगा। आपको भी इसी तरीके से देखना है, जहाँ पर जितना डार्क है आपको उतना डार्क पेंसिल यूज़ करना है, बिल्कुल लाइटली यूज़ करना है, ज़्यादा प्रेशर यूज़ करके आपको लेयर नहीं लगाना है। मैं अभी 8B पेंसिल यूज़ करके उसे डार्क कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मुझे लगे कि यहाँ पे थोड़ा और डार्क होना चाहिए तो हम उसे और डार्क करेंगे 4B पेंसिल या और 8B पेंसिल यूज़ करके। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अच्छे से शेडिंग करने के बाद हम उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। और फ्रेंड, डार्क एरिया को ब्लेंड करना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर ब्लेंड करें। आप देख सकते हैं हमारा फेस बन गया है। अब हम ड्रॉ करेंगे हेयर। हेयर के लिए मैं डायरेक्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा ताकि बहुत जल्दी डार्क हो जाए और हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल हेयर का जिस डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन पर हेयर टर्न हुआ है, उसी डायरेक्शन पर मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। स्ट्रोक लगाने के बाद मैं ब्रश के थ्रू ब्लेंड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से ब्लेंड करना है अच्छी तरीके से। और ब्लेंड करने के बाद फ्रेंड्स, मैं चारकोल पेंसिल से फिर से एक बार और लेयर लगाऊंगा जिस पे मैं ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके उसे स्ट्रोक दूंगा।
फ्रेंड्स, जब भी हम चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसे ब्लेंड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम उसे ब्लेंड नहीं करेंगे तो जो उसका लेयर है, जब हम उस पर लेयर लगाते हैं चारकोल पे, तो चारकोल के जो पार्टिकल है वो आपके ड्राइंग को ख़राब कर सकते हैं। तो उससे अच्छा यही है कि आप जब उसे शेड करें, जब उसे स्ट्रोक लगाएं उसे, तो उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करें ताकि वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। और फ्रेंड्स, जब आप चारकोल पेंसिल यूज़ करें तो उसे ज़रूर उस पर फिक्सेटिव स्प्रे लगाना ताकि आपका स्केच अच्छी तरीके से सेफ रहे। और फ्रेंड्स, स्ट्रोक लगाने के बाद मैं नीडेबल इरेजर यूज़ करके जहाँ जहाँ पे हाइलाइटिंग पार्ट्स है वहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर है तो आप उससे भी इजीली कर सकते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन अभी हम नीडेबल इरेजर यूज़ करके ही हाईलाइटिंग दे रहे हैं। और अब फ्रेंड्स, हम ईयर ड्रॉ करेंगे। सो ईयर ड्रॉ करने के लिए बेसिक्स तो यही है कि आपको लाइट एरिया देखना है, डार्क एरिया देखना है, कहाँ पे कितना लाइट है, कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ से कौन सा स्ट्रोक किस तरीके से गया है, सिर्फ वही ऑब्जर्व करके आपको ईयर ड्रॉ करना है। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। पहले मैं एच बी पेंसिल का लेयर लगाया, फर्स्ट लेयर, उसके बाद मैं 4B पेंसिल यूज़ करके जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट है उसे डार्क कर रहा हूँ, और उसके बाद हम उसे एक बार ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पे और ज़्यादा डार्क है वहाँ पे हम 8B पेंसिल यूज़ करके उसे डार्क करेंगे। देन जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे हल्के से हाइलाइट्स लगा लेंगे नीडेबल इरेजर यूज़ करके। सो इसी तरीके से मैंने ये ईयर ड्रॉ किया है, और आप भी इसी तरीके से ईयर ड्रॉ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और लेफ़्ट साइड का ईयर जिस तरीके का है उससे काफ़ी ज़्यादा इजी राइट साइड का ईयर है, क्योंकि उस पर ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम ईयर ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब हम नेक ड्रॉ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आप ये खुद से ड्रॉ कर लेंगे। सो मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल से नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप फेस ड्रॉ कर लिए तो आप इसे काफ़ी इजीली खुद से ही ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको लाइट एरिया, डार्क एरिया देखना है, इसके अलावा और कुछ है नहीं इस पर। सो मैं इसे काफ़ी डिटेल से नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आई होप आई नो कि आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, शर्ट के लिए मैं डायरेक्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा। और आप जिसके अकॉर्डिंग, अगर आपका शर्ट जिस तरीके से लाइट है, डार्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख के चारकोल पेंसिल यूज़ करना या लाइट पेंसिल यूज़ करना आपको खुद ऑब्जर्व करना है। ये आप स्टडी की तरह है जिसमें आपको खुद ऑब्जर्व करना है फोटोग्राफ को कि कैसा है, और उस तरीके से शेडिंग ब्लेंडिंग करनी है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने आउटलाइन का ट्यूटोरियल, आज का फर्स्ट पार्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताएं कि ये स्केच किस तरीके का लग रहा है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मैंने एक गिवे किया है जिसमें मैं आपको फ्री स्केच बना के दूंगा आपका। सो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बस एक छोटा सा रूल है, बस आपको वीडियो देखना है और जाके वीडियो को देखिए कि किस तरीके का रूल है और किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना फ्री स्केच बनवा सकते हैं मुझसे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके का ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। जिनका कमेंट आया है मैं उनका ट्यूटोरियल काफ़ी जल्दी बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।